तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज का वीडियो अपना होने वाला है यामा FZ V3 के बारे में, बाइक के बारे में सारी डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। बाइक लेने का प्लानिंग कर रहे हो ना तो वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर से देखना। दो कलर ऑप्शन में बाइक अवेलेबल रहती है, दोनों ही अभी के लिए अपने पास अवेलेबल है, तो साइड बाई साइड आप लोगों को एक आइडिया भी हो जाएगा कि ब्लैक कलर में कैसा लुक है एंड ब्लू कलर में किस टाइप का लुक आ रहा है। दोनों ही कलर ऑप्शन में ग्लॉसी ब्लैक में आपका अलॉय का सेटअप ये रहने वाला है। स्टार्ट होती है FZ सीरीज़ FZ V3 से ही, इसके बाद आ जाता है FZS वर्जन 3 एंड टॉप ऑफ द लाइन इस सीरीज़ में कह सकते हैं जो कि FZS V4 रहता है। वीडियो अवेलेबल है, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं रहता V4 में और FZS V3 में भी और FZ V3 में भी। इसके अलावा एक बाइक FZ सीरीज़ में और रहती है जो कि है FZX। इस टाइप से कुछ इस बाइक का लेआउट हो जाता है। तो ये आप लोगों को पूरा एक FZ सीरीज़ भी देखने को मिल चुका है, कलर ऑप्शन भी अपना हो चुका है। उसी के साथ साथ अब बात करते हैं प्राइसिंग की। सो ऑन रोड जयपुर बाइक आप लोगों को कॉस्ट करने वाली है 1.40 1,40,000 ऑन रोड जयपुर आपका प्राइसिंग रहेगा यामा FZ V3 का। अब देख लेते हैं बाइक में क्या कुछ आप लोगों को मिल जाता है। फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, फ्रंट पर जाता है अपना नंबर प्लेट का होल्डर, यामा का लोगो है जेल वाला। इस टाइप से कुछ हेलोजन में ही आपका इंडिकेटर सेटअप देखने को मिलेगा। ये रहा अपना मल्टीपल कंपार्टमेंट में हेडलैम्प सेटअप। इग्निशन ऑन करके देखते हैं लाइटिंग सेटअप ऑन रहता है या फिर नहीं। सो इग्निशन यहाँ पे आप लोगों को फ्यूल टैंक पे मिलेगा। की का शेप सेम है जो कि MT में भी आता है, R15 सीरीज में भी यही की का शेप आपको मिलने वाला है। इग्निशन ऑन करते हैं। सो इस टाइप से कुछ हेडलैम्प सेटअप अपना ऑन रहेगा। यहाँ पे एक हेलोजन वाला पार्ट भी आ जाता है। अब ये भी LED रहता तो और ज़्यादा अच्छा रहता, बट आफ्टर मार्केट आप लोग इसको इंस्टॉल LED में चेंज रिप्लेस करवा सकते हो। तो इस टाइप से कुछ लेआउट आपका रहेगा इग्निशन ऑन के साथ। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप है, थिकनेस ही आप लोग देख सकते हो, ट्रेवल भी यहाँ से विजिबल है। यामा की ब्रांडिंग आ जाती है फ्रंट मडगार्ड दोनों ही कलर ऑप्शन में, या आपको सेम मैट ब्लैक में ही देखने को मिलने वाला है। ब्रेकिंग सेटअप सेम है जो कि FZ सीरीज़ में भी रहता है, R15 में भी यही आपको डिस्क का सेटअप देखने को मिलेगा। 282mm का फ्रंट में मिल जाता है डिस्क बाइब्री ब्रेकिंग के साथ, सिंगल चैनल ABS फ्रंट बाइब्री ब्रेकिंग है। रियर यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा निसिन। इस टाइप से ये कुछ अपना फ्रंट डिस्क का लेआउट है। MRF ट्यूबलेस फ्रंट टायर अपने को, फ्रंट और रियर दोनों ही ट्यूबलेस टायर MRF का ही रहेगा। इस टाइप से कुछ टायर का पैटर्न आ जाता है, अलो इसका शेप। ये रहा आपका कुछ इस टाइप से फ्रंट टायर की ग्रेडिंग 180/17 100 सेक्शन का अपना फ्रंट टायर है। इस टाइप से कुछ क्लच लीवर है, काफ़ी लाइट फील है, रबर कवरिंग आ जाती है। ल्यूब्रिकेशन में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। इस टाइप से रियर व्यू मिरर है, ये चीज़ भी आपका कॉमन ही रहेगा FZ सीरीज़ में भी, MT में भी सेम ही आपका रियर व्यू मिरर रहता है। इस टाइप से कुछ अपना ब्रेक लीवर आ जाता है। निसिन की मार्किंग भी यहाँ पर प्रॉपर आप लोगों को ये देखने को मिल जाने वाली है। साइड प्रोफाइल से देखते हैं तो सीट हाइट का इस बाइक के साथ कोई भी इशू नहीं होने वाला। अगर आपकी शॉर्ट हाइट भी है तो 790mm 790mm का टोटल सीट हाइट है। सीट का साइज और शेप काफ़ी ज़्यादा एक प्रैक्टिकलिटी की तरफ आप लोगों को फील होगा, मतलब पिलियन का जो सीट है ना वो भी इतना ज़्यादा हाइट पर नहीं है और काफ़ी साइज़ भी अच्छा खासा यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है। और राइडर का भी काफ़ी सॉफ्ट कुशनिंग के साथ भी ये आ जाता है। रियर लुक इग्निशन के साथ, टेल लैंप आपका ऑन रहेगा। टेल टाइडी काफ़ी कॉम्पैक्ट है जो कि काफ़ी अच्छा लुक दे देती है। सिल्वर वाला एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा जेलअप हो रहा है। सिंगल पीस में ही ग्रे रेल है इस टाइप से मैट ब्लैक में। रियर टायर का पैटर्न देखते हैं तो पैटर्न कुछ इस टाइप से है, वही MRF ट्यूबलेस ये सेटअप ही रहेगा। 220mm का निसिन ब्रेकिंग के साथ रियर में डिस्क आ जाता है। तो यहाँ भी ये चीज़ अच्छी है, ड्यूल डिस्क वाला सेटअप आप लोगों को मिल जाता है। रियर टायर की ग्रेडिंग 140/60/17 140 सेक्शन रियर है, 100 सेक्शन अपना फ्रंट था। टायर अगर ड्यूल पार्ट में है, एक पार्ट ये रहा काफ़ी अच्छा एरिया ये कवर कर रहा है, रिमूव कर देते हैं तो टायर ज़्यादा विजिबल रहेगा, बट मॉनसून में काफ़ी यूज़फुल चीज़ रहती है। इस टाइप से एक फ्रंट वाला पार्ट आ जाता है। रियर सस्पेंशन मोनोशॉक ही है मल्टीपल वे एडजस्टमेंट के साथ। फुटपैक्स कुछ इस टाइप से है पिलियन का, राइडर के लिए रबर कवरिंग यहाँ पर आ जाती है। और ये रहा आपका एग्जॉस्ट ड्यूल टोन में सैटिन और मैट ब्लैक, ये आपको हीट शील्ड फाइबर में यहाँ पे देखने को मिलेगी। सेंटर स्टैंड साइड स्टैंड दोनों आ जाता है। इस टाइप से फुट पैक है और ये रहा अपना ब्रेक लीवर। इंजन काउल भी यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा और एक काउल ये भी आ जाता है जो कि थोड़ा सा एक ग्रेइश टोन, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका आ जाएगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं तो फ्यूल टैंक यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है टोटल 13 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। इस टाइप से फ्यूल कैप है, कोई भी कवरिंग नहीं है की होल पे, ना ही कोई चार्जिंग पोर्ट एज सच यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी वो आफ्टर मार्केट या फिर कंपनी से ही एसेसरीज में आप लोगों को यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है USB टाइप। इस टाइप से कुछ फ्यूल टैंक का एक राइडर POV बनता है अपना। स्टिकरिंग ब्लू कोर, वार्निंग स्टिकर, E20 का स्टिकर सेंट्रल वाला पार्ट आप आ जाता है मैट ब्लैक स्टोन में। स्विचेस की बात कर लेते हैं तो क्लच काफ़ी लाइट है, हाई बीम लो बीम प्लस पास एक स्विचियाँ हैं। सो ये अपना मैकेनिज्म हेडलैम्प का ऑन रहने वाला है हाई बीम लो बीम पे। इंडिकेटर
टाइप से सिंगल बजर में काफ़ी लाउड हॉर्न है। यहाँ जाता है अपना किल स्विच और स्टार्टर, थ्रॉटल ग्रिप इस टाइप से है, बार एंड भी मेटल में और कंप्लीट ब्लैकआउट वाला ये सेटअप मिल जाता है। हैंडल बार का लेआउट कुछ इस टाइप से है, काफ़ी वाइड काफ़ी ब्रॉड हैंडल बार मिलता है, जिससे कि राइडिंग काफ़ी आप लोगों को एक ना कॉन्फिडेंस भी फील हो जाता है। MID की बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ना तो BT कनेक्टिविटी मिलता है, ना ही ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है जैसा कि अपने को V4 में मिल जाता है। V3 में चाहे FZ हो या फिर FZS V3 हो, ये वाला सेटअप आपको ट्रैक्शन कंट्रोल और BT कनेक्टिविटी नहीं मिलती और MID का लेआउट भी यहाँ पे चेंज हो जाता है। इस टाइप से एक डिजिटल विंडो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, सारी वार्निंग लाइट्स आ जाती हैं, यामा का लोगो है सेंटर में, प्लस टैकोमीटर मिल जाता है यानी कि RPM मीटर, फ्यूल गेज, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर अभी शो हो रहा है, उसके अलावा स्विचेस देखते हैं। सो ये है ट्रिप F, ट्रिप 1, ट्रिप 2 और ऑडोमीटर। ओके, क्लॉक भी है। सो ये वाला कुछ आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। अपोजिट साइड कवर कर लेते हैं, फिर करते हैं बात इंजन स्पेसिफिकेशंस की। तो चेन का सेटअप ओपन वाला है, साइड स्टैंड सेंटर स्टैंड दोनों है, इस टाइप से कुछ इंजन का लेआउट रहेगा अपना अपोजिट साइड से। कर लेते हैं बाइक को स्टार्ट और सुनते हैं एग्जॉस्ट नोट किस टाइप का मिल जाता है। हेडलैम्प ऑन वाला लुक तो आप लोग देख ही चुके हो, वही सब मैकेनिज्म रहेगा, इंडिकेटर ये अपना ऑन है। सो कुछ इस टाइप से एग्जॉस्ट नोट यहाँ पर आप लोगों को मिल जाने वाला है। अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की, फिर करते हैं अपना वीडियो एंड, जो कि यहाँ पे है लगभग 12.4 PS के अराउंड आप लोगों को यहाँ पे पीक पावर मिल जाता है, जो कि इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग एनएफ ही है। 149 cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक SOSC 2-वोल्ट इंजन मिलता है, 12.4 PS का पीक पावर और 13.3 Nm का टोटल टॉर्क है। सीट हाइट वगैरह अपना सब ये रहा 790 mm, बाकी सब कुछ आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाइक का टोटल वेट है 135 kg। इंजन FZ सीरीज में आप लोगों को सेम ही रहता है लगभग, FZS V4 136 kg और FZ V3 135 kg। सो इसी के साथ ही हो जाता है अपना वीडियो कंप्लीट, यामा FZ V3 के बारे में। बाइक आप लोगों को अच्छी लगी हो, कलर ऑप्शन कौन सा आप लोगों को पसंद आया कमेंट में ज़रूर से बताना, ब्लैक या फिर ब्लू। एक बार ब्लू आप लोगों को देख सकते हो, ये रहा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी ज़रूर से करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल भी ज़रूर से कर देना है। करते अपना वीडियो एंड और मिलते अगले वीडियो के साथ इसी के नेक्स्ट डे। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।